वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैंने कुछ प्लान किया, देखो आज धूप भी आ गया ऊपर में, मौसम तो काफ़ी अच्छा जो है सीज़न गुज़र रहा था। लेकिन कल जो है थोड़ी सी कोलकाता में बारिश वगैरह आई थी और यहाँ जो है मैं अभी हूँ FCI में और FCI के बाद मैं आपको लेके चलूँगा सेंचुरी फ्लाइट जो कि कंटेनर की है। तो आप जो देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया FCI का ये गोडाउन, ठीक है, ये FCI पूरा जाता है। और तो चलो देखते हैं अब। तो आज मैं आ गया हूँ खिदिरपुर डॉक में और ट्रांसपोर्ट आई है वो लगे है कोलकाता का एकदम किंग ट्रांसपोर्टिंग जो खिदिरपुर डॉक, जहाँ पर हिंदुस्तान का बड़े से बड़े का खान है, लक्ष्मी का खान जगह है। इस खिदिरपुर एरिया में जो भी आ जाता है पान गुमटी वाला भी करोड़ों का हैसियत रखता है। ऐसी जगह है, यहाँ इतनी कमाई है। अच्छा, कमाई बहुत है, बहुत कमाई है यहाँ पे, कमाई बहुत है। और कंटेनर और भी आगे चल के देखते क्या क्या है कंटेनर साइडिंग में। एक खिदिरपुर कंटेनर साइडिंग है, तो आप देख सकते हो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे आओ। क्या हो रहा है देखिए, कहाँ पे अनलोडिंग करेगा ये लोग। अब ये जो कंटेनर यहाँ से उठा के उस साइड में लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो। वो उधर लेके निकल गई है, आप देख सकते हो। अब इधर देखो पहाड़, बाप रे बाप। तो इस एरिया के बारे में आपको कुछ कहना है क्या? हाँ जी, ये जो एरिया जो है आप देख रहे हैं, एक कंटेनर यार्ड है, इसको कहता कंटेनर। ये बगल में पोर्ट है और जहाज के द्वारा बाहर से कंटेनर में बहुत तरह का माल आता है, मिनरल से लेकर के प्लाई बोर्ड से लेकर के और अन्य सामान वस्तुएं आती है। और यहाँ से कंटेनर यार्ड से ट्रकों पर लाद करके जगह जगह यहाँ से पहुँचाया जाता है। और ये जो एरिया है ट्रांसपोर्ट का सबसे किंग जगह माना जाता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का किंग जगह माना जाता है। और इस एरिया में भी कहा जाता है कि ये लक्ष्मी का भंडार वाला जगह है। अच्छा, इस एरिया में अगर किसी को एक पान बेचने का जगह मिल जाए तो सोचो करोड़पति बन जाएगा। और गाड़ी लाइन में तो क्या कहना है, गाड़ी लाइन में जो आ गए हैं आज के डेट में, उन लोगों के लिए सोचे कि बहुत ही खुश नसीब की जगह है कि यहाँ पर जगह उनको लाइनअप मिल जाए। और यहाँ पर लाइनअप हो जाए तो उन लोगों के लिए फिर दुनिया के किसी दूसरे दरवाज़ा में झाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जगह ऐसी जगह है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इतने बड़े बड़े कंटेनर रखा हुआ है। पर डे कम से कम 2000 गाड़ियाँ लोड होती है। अच्छा, पर डे 2000 गाड़ियाँ का माल यहाँ निकलता है और पर डे 2000 गाड़ियाँ लोड होता है, अनलोड होता है। और यहाँ से बाहर सब जाता है, अन्य देशों में यहाँ से माल का सप्लाई होता है। और कंटेनर के माध्यम से माल आता है, दवा से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, प्लाई बोर्ड से लेकर के, पाउडर से लेकर के, मिनरल से लेकर के मैंने बहुत सा असंख्य गुड्स यहाँ पर आते हैं कंटेनर के द्वारा। अब देखिए एक कंटेनर में ये क्या है, टंकी रखा हुआ तेल का। एक कंटेनर यार्ड जो है एक पोर्ट एरिया 50 कम से कम 20 किलोमीटर के अंदर में एरिया, ट्रांसपोर्ट लाइन के एरिया है ये। हिंदुस्तान के अंदर में लोग कहते हैं कि काम नहीं है, बेकारी है, बेरोजगारी है, लेकिन हम लोग इतने घूमने फिरने देखने के बाद अनुभव किए हैं कि यहाँ पर आदमी की कमी है, यहाँ पर काम करने वाले की कमी है, यहाँ पर काम की कमी नहीं है। ये जगह ऐसा है कि काम की कमी नहीं है, काम यहाँ पर भरपूर मात्रा में काम है, यहाँ पर सिर्फ काम करने वालों को कमी है। सच्चे दिलेरी और मेहनत से काम करने वाले के लिए यहाँ पर एक काम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आप इतने कंटेनर यार्ड कम से यहाँ पर लाखों लाखों मजदूरों के यहाँ पर जरूरत पड़ती है, यहाँ पर लोड करने के लिए, खाली करने के लिए। जो भी माल आता है बाहर से लोड किया जाता है, एक कंटेनर के अंदर से माल निकलता है, माल निकाल के ट्रकों पर लोड किया जाता है। मतलब यहाँ से जो है माल को जो है लाइक फॉरेन से आती है माल, देख रहे हैं सारे कंटेनर भरा हुआ है। अच्छा, लाइक सारा कंटेनर में भरा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हो। और क्या है कि यहाँ से ट्रक आता है, ट्रकों में इस माल को भर करके बाहर भेजा जाता है, बाहर भेजा। मतलब यहाँ से जो फॉरेन की जितनी माल होती है यहाँ पे आती है, लाइक समुंदर से, और समुंदर से यहाँ पे स्टॉक होती है, और यहाँ से जो ट्रकों पे जितने मुंबई दिल्ली सारी जगह में जाती है, सभी देशों का माल आता है और पूरे भारत में सप्लाई यहाँ से। तो क्या इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं आ गया हूँ यार्ड से बाहर। और लाइक ये एक रोड हो गया, यहाँ पे कोई ओला उबेर नहीं चलती, यहाँ पे जो है बसेस चलती है, लाइक ये बस है, तो ये बस ही चलेगी, तो मुझे यही बस पकड़ना पड़ेगा। तो निकलते हैं और मिलते हैं बाद में थोड़ी देर नेक्स्ट वीडियो में।